सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी आप सबका NIUS की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा में हम DLED पाठ्यक्रम के 502 के ब्लॉक 3 की इकाई 10 पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबसे आग्रह है इस चर्चा में शामिल हों। बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, हम अपनी बातचीत की शुरुआत यहाँ से करते हैं। ऐसा क्या है जिसमें हम ये मानते हैं या हमारी शिक्षा व्यवस्था में यह सवाल आज भी मौजूद है कि बालिकाओं की शिक्षा अभी भी अधूरी है। एक मानव समाज तब तक मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके दोनों पहिए ठीक ठीक काम न करें। पुरुष और स्त्री, महिला और पुरुष, इन दोनों के का समवेत रूप ही हमारा मानवीय समाज है। यदि ये दोनों साथ साथ एक जैसी शक्ति के साथ समाज को आगे बढ़ाने में सक्रिय होते हैं तो समाज का रूप कुछ और होगा। बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, उसके भारतीय शिक्षा के भविष्य को देखते हुए, हम आज की चर्चा में यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बालिका शिक्षा महिला सशक्तिकरण का आधार है, लैंगिक असमानता को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकती है, और साथ ही साथ शिक्षा बालिकाओं को अपनी क्षमता को पहचानने और उन्हें विकसित करने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। पारिवारिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा को बेहतर करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य है हमारे इस समाज के लिए, जहाँ पारिवारिक स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है। साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी की शिक्षा के महत्व को समझना और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दें। सामाजिक विकास में महिला या अपनी भूमिका बराबरी का दर्जा हासिल कर सकें, पुरुषों के साथ साथ चल सकें, सामाजिक विकास में उनकी भी अहम भूमिका हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें या बालिकाओं की शिक्षा को मुख्य धारा में शामिल करें। पुरुषों के साथ अवसरों की समानता के लिए, भेदभाव रहित व्यवहार के लिए, समावेशी अधिगम वातावरण के निर्माण के लिए या एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए बालिकाओं की शिक्षा की जरूरत महसूस होती है। राष्ट्र की सामाजिक विविधता की रक्षा के लिए भी बालिका शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से ऐसे तथ्य हैं हमारे राष्ट्र की सामाजिक विविधता के जिनका जुड़ाव सीधे सीधे बालिकाओं और महिलाओं से है। यदि उन मनोभावों को, उन भावनाओं को शिक्षा में शामिल करते हैं, बालिकाओं की शिक्षा इस तरह से दी जाती है कि वे इन मनोभावों को, इन सामाजिक चिन्हों को बचा सकें या उसकी रक्षा कर सकें या उसकी रक्षा के लिए तैयार हों, तो मुझे लगता है कि बालिका शिक्षा इसके लिए अनिवार्य तत्व होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है हमारे देश की, जो बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति है, उससे बहुत संतुष्ट होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे देश की लगभग 35% महिला आबादी निरक्षर है। साक्षरता की परिभाषा के अनुसार अभी भी उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है। यह ठीक बात है कि हमने विकास किया है और 1951 में जहां मात्र 6% महिला साक्षरता दर थी, वो आज बढ़ के लगभग 66% हो गई है, यानी लगभग 11 गुना। लेकिन जब हम इस विकास को किसी चित्र में देखते हैं या किसी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि पुरुष और महिला साक्षरता में 20% का कमोबेश भेद या अंतर हर 10 वर्षों में रहा है। यह 1951 से लेकर 11 तक की जो जनगणना का मामला है जिसके आधार पर मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ, निष्कर्ष के तौर पर यह निकलता है कि महिला और पुरुष की साक्षरता दर में 20% का फर्क लगभग लगातार रहा है। तो अभी जो वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो स्थिति है हमारे देश में, पूरी साक्षरता दर 73 है, पुरुष उसमें 80.9 हैं और महिलाएं 64.6% हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनका प्रतिशत 57.9 है। कहने का तात्पर्य यह है कि गाँव में आज भी आवश्यकता है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। गाँव और पहाड़ी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा आज भी हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। जो बालिका विद्यालयों में बालिका शिक्षा के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भी समझना बहुत अनिवार्य है कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम
अपनी अधिकाधिक बच्चियों को बालिकाओं को स्कूल में रख नहीं पाते, रोक नहीं पाते। एक कारण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पहुंच तथा नामांकन। ग्रामीण क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालय के उपलब्ध नहीं होने के कारण अभिभावक लड़कियों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते। जब उनको लगता है कि भाई हमारी बच्ची वहाँ जाके सुरक्षित नहीं है, वहाँ जाना उचित नहीं होगा उसके लिए, यानी दूर दराज का मामला है। अब चूंकि RTE के दौर में हम ये नहीं कह सकते कि हमने 1 किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल बना दिया, तो यह स्कूल पड़ोसी विद्यालय हो गया। अब तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो शिक्षा का अधिकार कानून है, उसके अंतर्गत तो हम लोगों को ये मानना होगा या और स्वीकार करना होगा कि कोई भी लड़की या लड़का अपनी किसी समस्या के कारण, जिस पर उसका कोई वश नहीं है, नहीं पढ़ पाता है, तो उस समस्या का समाधान करना एक तरह से राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का और स्थानीय पंचायत सरकारों का काम है। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर आपने स्कूल बना दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन बीच में एक नदी है जिसको पार करके एक लड़का या लड़की उस पार नहीं जा सकते। तो ऐसे में किसी तरह से यदि लड़के चले भी गए तो लड़कियां तो नहीं जा सकती, तो वो नहीं गईं तो उनकी पढ़ाई छूट गई। तो यह अनिवार्य है यह देखना और जानना कि वो जहां समस्याग्रस्त हैं उन समस्याओं का समाधान हम करें, तभी पहुंच सुनिश्चित होगी अधिक से अधिक लड़कियों की, और लड़कियों का ठहराव भी होगा। क्योंकि मान लीजिए उत्साह में यदि उसने ऐसे स्कूल में नामांकन करा भी लिया जहाँ किसी नदी को पार करके जाना है, 2-4-10 दिन तक ये उत्साह हो सकता है कि बना रहे, बाद में फिर ये उत्साह ठंडा हो जाएगा और हो सकता है कि उसका स्कूल आना जाना बंद हो जाए। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है बालिका शिक्षा और विद्यालय के संदर्भ में, और वो है विद्यालयों का प्रतिकूल वातावरण। आमतौर पर हम लोग देखते हैं, कई बार हम शिक्षक भी इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगते हैं, जब हम कहें कि क्या लड़कियों की तरह शर्माते हो। शर्माना जो है वो प्राकृतिक गुण है, वो सिर्फ लड़कियों से उसको हम जोड़ के नहीं देख सकते। या स्कूलों में यदि कोई खेलकूद का आयोजन हो रहा है और उसमें हम सीधे सीधे बंटवारा कर देते हैं कि ये खेल तो सिर्फ लड़कियां खेलेंगी, रस्सी कूदेंगी लड़कियां और लड़के खेलेंगे क्रिकेट, ये भी एक तरह से दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रति अलगाव का बोध कराते हैं, और यह घातक है स्कूल के लिए भी, यह घातक है। और यह जो बीज हम डालते हैं लड़के और लड़कियों में कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए यह काम, तुम यह काम कर सकते हो, तुम यह काम नहीं कर सकते हो, तुम वह काम कर सकते हो, तुम वह काम नहीं कर सकते हो, तो इसके बीज जो हम न चाहते हुए भी स्कूलों में डाल देते हैं, यह एक बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार का जो नमूना है स्कूलों में, उससे हमें मुक्ति पाना ही होगा, क्योंकि यह भी बालिका शिक्षा में रोड़े का काम करता है। बालिकाओं के सीखने को भी लेकर बहुत सारे पूर्वाग्रह हम लोगों के पास है। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि हम मान लेते हैं कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती, इनको तो गणित आ ही नहीं सकती, जबकि हम देख रहे हैं आज के समाज में कि गणित विज्ञान में लड़कियां खूब अच्छा कर रही हैं, खूब आगे बढ़ रही हैं। वे तमाम क्षेत्र जिन पर हमारा कब्जा था पुरुषों का, उस पर वो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही हैं, उन स्थानों पर पहुंच रही हैं। मतलब जिस चालाकी से हम लोगों ने कहा कि घर का खाना तो महिलाएं बनाएंगी, लेकिन जब 5 सितारा और 3 सितारा होटलों में कमाने की बारी आएगी तो वहां तो खाना हम बनाएंगे, भोजन बनाने का काम होटलों में हम करेंगे क्योंकि उससे तो कुछ कमाई होती है, और घर में खाना बनाने का काम महिलाएं करेंगी। तो अब धीरे धीरे ये मिथ जो है वो टूट रहा है, ये बिंब अब बिखर रहा है। इसको ध्यान में रखना चाहिए कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, वे सिर्फ भाषा पढ़ सकती हैं, और वो सिर्फ कलात्मक और सौंदर्य बोध ही उनमें होता है ऐसा नहीं है, वो भी वैज्ञानिक चेतना से लैस होती हैं, और यदि अवसर मिले तो वो गणित और विज्ञान को खूब अच्छी तरह से पढ़ सकती हैं। इस देश पूर्वाग्रह से मुक्त होने की आवश्यकता है कि लड़कियां गणित और विज्ञान जैसे विषय नहीं पढ़ सकती। दूसरी जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी बालिकाओं के प्रति एक विशेष तरह का छवि बनाती हैं। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो तस्वीरें देते हैं आमतौर पर, यदि सुबह सुबह की कोई चर्चा हो और हमारी पाठ्य पुस्तक में कोई तस्वीर हो, तो हम देखेंगे कि पिता अखबार पढ़ रहे हैं और माँ खाना बना रही हैं या चाय बना रही हैं। तो ये तय हो गया कि खाना बनाना तो माँ का काम है और चाय बनाने की भूमिका माता जी की है। वैसे ही गणित के पाठ्य पुस्तकों में कई बार हम पूछ लेते हैं कि किसी एक काम को एक पुरुष एक दिन में करता है, उसी काम को 2 महिलाएं एक दिन में करती हैं। तो यह भी एक तरह से विभेद पैदा करता है कि एक काम को एक पुरुष एक दिन में कर लेता है तो 2 महिलाएं क्यों करेंगी भाई, एक महिला क्यों नहीं कर सकती है, ऐसा क्या है कि इस काम को करने के लिए 2 महिलाओं की जरूरत आपको आन पड़ी। तो इस संदर्भ में विद्यालय में बालिका शिक्षा के लिए जो सकारात्मक माहौल
निर्माण की आवश्यकता है आज के संदर्भ में, उसके लिए जरूरी होगा कि हम सामुदायिक सहयोग एवं जागरूकता के माध्यम से ऐसा सकारात्मक माहौल बनाएं। विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा के सही इंतजाम हो, विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था हो, बालिकाओं की शिक्षा को समय समय पर पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, बालिकाओं की क्षमता के बारे में जो पूर्वाग्रह हैं उनको प्रेरणादायी उदाहरणों की मदद से तोड़कर उन्हें नए उदाहरणों से जोड़ा जाए, जो बालिकाओं के कई नए उदाहरण हैं उनकी उपलब्धियों के, विद्यालय की गतिविधियों में बालिकाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए, भेदभाव मुक्त समावेशी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाया जाए, विद्यालय में लड़कियों के उपलब्धि के आकलन मूल्यांकन को भी भेदभाव मुक्त बनाया जाए, ये न कहा जाए कि ये काम ऐसा इस तरह से लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो मूल मामला ये है कि हम बालिकाओं के प्रति अपने मन को बदलें, अपने मानस को बदलें और ये माने कि वो हमारे साथ खड़ी होने की सभी काबिलियत रखती हैं। मुझे लगता है कि तभी बालिका शिक्षा की चुनौतियों का हम सामना कर पाएंगे और उससे उबर पाएंगे और यह राष्ट्र गर्व के साथ अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए यह कह सकेगा कि आज हमारे देश की कोई भी लड़की, कोई भी बालिका शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल।